सोचो आज आपके जीवन का आखिरी दिन है और आपने कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं की है, आपने कोई भी जीवन का सेटलमेंट नहीं किया है और आपके जाने के बाद आपका पूरा परिवार आपस में लड़ पड़ता है और आपके जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो आपके परिवार को मिलते तक नहीं है, चौंक जाएंगे ना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज भी इस देश में मोस्टली लोग मरने से पहले किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर प्लानिंग करके नहीं जाते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जहां हम आपको जागरूक करें उन तीन बातों से जो आपको आज ही करनी है, क्योंकि क्या पता आज ही हमारे जीवन का आखिरी दिन हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा या कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ सजग कर रहा हूं ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार में सामंजस्य और प्रेम बना रहे और आपके परिवार को आपके जीवन भर की मेहनत का जो फल है वो जरूर मिले। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन तीन बातों को, तो शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंचकर घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उन तीन इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको करनी है, इनफैक्ट आज ही करनी है, और इस अगले 5 मिनट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि 5 मिनट आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट हो सकते हैं। सबसे पहला काम वो है वसीयत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विल। दोस्तों जब हम जीवन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ प्रॉपर्टी लें, कहाँ म्यूचुअल फंड लें, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जो जीवन पर इतनी प्लानिंग करते हैं आपके जाने के बाद वो कैसे, किसको जाएगा, कब जाएगा, उसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप की एक विल यानी वसीयत को लिखना। वसीयत का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपके जाने के बाद आपकी जितनी भी चल और अचल संपत्ति यानी जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैसे बटेगी, उसका लेखा जोखा होता है। विल को लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, एक सिंपल पेपर पे भी आप अपनी वसीयत को लिख सकते हैं जहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी चल और अचल संपत्तियां हैं और आपके जाने के बाद आप उसको किसको देना चाहते हैं उसका नाम पता आपको लिखना होगा। वैसे तो भारत के कानून के मुताबिक वसीयत को रजिस्टर कराना कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फॉर सेफर साइड आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में कोई और डिस्प्यूट ना आ जाए इसलिए प्लीज अपनी विल को रजिस्टर करवा लीजिए। ज्यादा खर्चा नहीं आता है, एक विल का ड्राफ्ट बनाने के बाद अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और वहां पे विल को रजिस्टर करा लीजिए। मुझे शायद लगता है 500,000 या मैक्सिमम 2,000 रुपए के खर्चे में आप ये पूरा काम कर सकते हैं। वसीयत को लिखते समय एक जरूर बात ध्यान रखिए कि आप जिसको देना चाहते हैं उसका नाम पता पूरा क्लियर लिखें और जिसको नहीं देना चाहते हैं उसका भी उसमें हवाला डालिए ताकि फ्यूचर में वो उठ के कभी ना आ सके और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एविडेंस फ्यूचर में रह सकता है। अब हम इस बात को भी सोच लेते हैं कि अगर मैं वसीयत नहीं लिखूं तो क्या होगा? आपको पता है अगर आप वसीयत लिख के नहीं जाएंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भारत के सक्सेशन लॉ यानी जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसके तहत बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है और 2 लड़के हैं। अब एक लड़की है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है और एक जो लड़का है वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, लेकिन जो दूसरा बेटा है वो बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखता, मैं जीवन भर उससे परेशान रहता हूँ। अब अगर मैं समय पे वसीयत नहीं लिखूँ और मैं कुछ भी उसको लिखा पढ़ी नहीं करूँ तो मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी तीनों यानी 2 भाई और 1 बहन तीनों में बराबर बटेगी और साथ साथ अगर मेरी पत्नी जिंदा है तो उसमें भी जाएगी, यानी 1/4 हिस्सा सबको मिलेगा। तो अब क्या हुआ, जिस बच्चे को मुझे प्रॉपर्टी नहीं देनी थी वो इसलिए जा रही है क्योंकि मैंने समय रहते अपने जीवन में वसीयत नहीं लिखी। इसलिए वसीयत लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जाने के बाद उन लोगों को प्रॉपर्टी ना जाए जिनको आप नहीं चाहते हैं, या कहने का मतलब ये है जो आपकी अंतिम इच्छा है वही सर्वोपरि हो जाए। इसलिए सबसे पहला काम आपको ध्यान रखना है, आपको वसीयत लिखनी है। वसीयत रजिस्ट्रेशन आप बाद में भी कराएं चलेगा, लेकिन आज प्लीज़ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं रात को सोने से पहले एक रफ पेपर पे अपनी वसीयत को लिख दीजिए और किसी भरोसेमंद आदमी को आप बता दीजिए। और हाँ, जब आप वसीयत लिखते हैं तो उसमें 2 विटनेस का होना ज़रूरी है, उन 2 विटनेस को वसीयत को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो सिर्फ इस बात की गवाही देते हैं कि यस आपने उनके सामने वसीयत लिखी है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो गवाह हो वो एक डॉक्टर और एक वकील हो, वो इसलिए ताकि डॉक्टर ये बात को सर्टिफाई करे कि आप अपने मानसिक संतुलन में थे और वकील इस बात की गवाही दे कि आपने जो किया वो प्रॉपर एक लीगल प्रोसेस के थ्रू
शुरू किया है, इसलिए आपको वसीयत लिखने का हमने पूरा प्रोसेस वैसे बता दिया है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ। आप हमारी टीम से घर बैठे अपनी पूरी वसीयत को आप ड्राफ्ट करा सकते हैं, उसकी नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरी टिप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने भी बैंक खाते हैं, जो भी आपका PPF अकाउंट है, आपका जो शेयर, आपका जो अकाउंट है, जो डीमैट अकाउंट आपने खोल रखा है, या आपके कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोग अपना नॉमिनी डालते ही नहीं है। अगर आपने नॉमिनी नहीं डाला तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि आपके जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट, वो प्रॉपर्टी, वो शेयर या वो PPF किसको जाए, ये एक अनसर्टन रहेगा। फिर अब अगर आपके बच्चे उस दिन डिपार्टमेंट में जाएं या वो कहें कि सर मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी या फादर की LIC थी या फादर के म्यूचुअल फंड थे, मुझे दे दिया जाए, तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको इतनी आसानी से नहीं देगा। वो आपको कहेगा कि आप जाओ कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आओ, या कोर्ट में जाओ और लीगल एड सर्टिफिकेट लेकर आओ, तब हम जाके आपको ये प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स देंगे। हो गया ना बड़ी दिक्कत का काम, क्योंकि आपको लगता था कि मेरे जाने के बाद आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी नहीं दिलवाया, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, या जो भी आपके लीगल हेड्स हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट से लीगल हेड डिक्लेयर कराना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए आज ही अपने जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको बोल दीजिए कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरे नॉमिनी को डाल दीजिए। अब यहाँ एक और डिबेट होती है, नॉमिनी वर्सेज बेनिफिशरी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो नॉमिनी है वही रियल मालिक है, पर आपको पता है ऐसा नहीं है। नॉमिनी का सिर्फ इतना ही दायित्व होता है कि जब तक जो रियल बेनिफिशियरी ने आ जाए तब तक वो उसकी देखभाल करे। अल्टीमेटली ये जाता उस बेनिफिशियरी को ही है जो आपका लीगल हेयर है, जिसको आप देना चाहते हो। कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक्स पर्सन को नॉमिनी बनाते हैं और वाई पर्सन के नाम पर वो विल लिखते हैं, तो उस वाई पर्सन को ही जाएगी, क्योंकि उसके नाम पर विल है, क्योंकि विल में ही बेनिफिशियरी है। नॉमिनी का सिर्फ इतना काम है कि जब तक वो वाई नहीं आता तब तक एक्स उस प्रॉपर्टी या उस डॉक्यूमेंट को संभालेगा और वाई को हैंडओवर करेगा। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी दिलवाएं तो सिर्फ उसी का नाम दिलवाएं जिसको आप अल्टीमेटली एज अ बेनिफिशरी देना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे पर्सन का उसमें आप नाम डालें। तीसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, वो ये है कि हम जीवन में बहुत सारी प्रॉपर्टियां लेते हैं, बेचते हैं, साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत जीवन में इंपॉर्टेंट है। कई बार आजकल ज़माना डिजिटल का है तो आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं। इन सब का कौन कौन से अकाउंट हमारे कहाँ पर हैं, कौन कौन से हमारे किस अकाउंट के क्या पासवर्ड हैं, क्या लॉगिन डिटेल्स है, इन सब को मेरी ओपिनियन में आपको प्रिंटआउट निकाल के एक ब्रीफ केस में सब रख देना चाहिए। यानी आपके ज़मीन के सारे दस्तावेज, आपके सारे अकाउंट डिटेल्स, आपके सारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, या फिर आप जिससे पैसा मांगते हैं या आपने जिसको पैसा उधार दिया है, उन सब का लेखा जोखा आपको एक ब्रीफ केस में सब प्रिंटआउट डालकर रख देना चाहिए। क्योंकि अगर कभी आप चले जाएँ तो आपके जाने के बाद एटलीस्ट आपके बच्चों को या आपकी वाइफ को या आपके लीगल हेड्स को ये बात पता हो कि यस मेरे फादर ने या मेरे मम्मी ने किससे पैसा लिया है या किसको उधार दिया है, कौन कौन से उनके क्रेडिट कार्ड हैं, या जो उनका गूगल पे या फ़ोनपे का अकाउंट है उनमें क्या उनका पासवर्ड है। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है जो हम बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि हम शायद आज नहीं जाएं, लेकिन क्या पता कल हो ना हो। तो दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में जाना 3 बातें, पहला वसीयत, दूसरा नॉमिनी और तीसरा सब दस्तावेजों को एक ब्रीफकेस में डालना। ये 3 गोल्डन टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो तभी मुझे लगता है सक्सेसफुल बनेगा जब आप इन तीनों काम को आज ही करेंगे। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो नीचे कमेंट में जाके मुझे बताएं, और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे अगली बार इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।